सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कॉकटेल के हवाले से। आप में से जितने भी लोग कॉकटेल के बच्चे जो हैंड फीड करवाते हैं या हैंड फीड पर उठा लेते हैं, उससे रिलेटेड मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है। देखिए, मेरे पास आने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको समझाता हूँ ज़रा भी। सो गाइस, देखें, जितने भी लोग हैंड फीड करवाते हैं ना, मेरे पास भी प्रॉब्लम आया। ये बात इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखें, कुछ लोग समझते हैं ना कि जैसे अगर आपके पास हैंड फीड करवाते हुए कोई बर्ड मर जाता है, मैं कॉकटेल का बता रहा हूँ तो सेम चीज़ें ग्रे पैरेट पर भी अप्लाई होंगी। मैं आपको बताता हूँ मुझसे गलती क्या हुई। ये मैंने उठा लिया। अच्छा, ये मेरे पास वो बॉक्स है जिसमें मैंने कॉकटेल के बच्चे उठाए हुए थे, दिखाना ज़रा यहाँ पर। और माशाल्लाह से ये बिल्कुल सही जा रहे हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ठंड बहुत है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इनको ना उठाऊं, क्योंकि इस टाइम पे ये टाइम नहीं है। देखें, ये टाइम नहीं होता, ठंड का मौसम है, जनवरी चल रहा है अभी सब, जनवरी के बाद फरवरी आ जाएगा। सो ये वो मौसम होते हैं जब बहुत पूरे दुनिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइम पे आप मत उठाया करें बच्चों को हैंड फीड पे, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास कोई ब्रूडर है। ब्रूडर किसको कहते हैं, जो बर्ड्स का हीटर होता है एक तरह का। वो क्या होता है कि जैसे इनक्यूबेटर होता है ना, इनक्यूबेटर प्लस ब्रूडर वगैरह भी मिल जाते हैं, तो आप इनको गर्माइश वाली जगह पर रख सकते हैं या बल्ब लगा सकते हैं अंदर, उससे ये गर्म हो जाते हैं। अभी ठंड बहुत है, जिन बच्चों को माँ के परों के नीचे होना चाहिए उनको हमने हैंड फीड पर उठा लिया। जब मुझे कंबल के अंदर ठंड लग रही है, ब्लैंकेट के अंदर मेरी टांगे जो हैं वो गर्म नहीं हो पा रही, तो सोचें ये बेचारे बाल भी नहीं निकले हुए थे तब उठाया था इनको। अब मैं आपको बताता हूँ गलतियाँ, मैं आपको क्यों मना कर रहा था। अच्छा, देखें, ये काफ़ी लोगों के पास इशू आता है ना कि जी क्रॉप जो है वो स्टक हो गया है, स्टकिंग क्रॉप कह लें, या क्रॉप में फीड फंस गई। अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि मसला है क्या। थोड़ा सा पहले मैं इसको नीचे रख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए मुझे। सो गाइज, ये देख लें, ये बच्चा है, सबसे बड़ा यही और सबसे ज़्यादा एक्टिव और अच्छा मेरे पास यही था। अब क्या हो गया जी, ये बीमार हो गया, ये ख़राब हो गया। ख़राबी क्या हुई है कि इसके क्रॉप में गले के अंदर जो है ना फीड स्टक हो गई है। अब ये बात पता कैसे चलती है, आपने कैसे जज करनी है। मिसाल ले लें, आपने एक बच्चा उठाया हुआ है, दो बच्चे उठाए हैं, उनको आप रात को फीड करवा के सोते हैं, सुबह जब उठते हैं तो उनका क्रॉप खाली हो जाता है और वो बहुत भूखे नज़र आ रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, फिर आप दोबारा डालते हैं। तो ये इसी तरह जा रहा था। लेकिन कल क्या हुआ, लास्ट टाइम हुआ ये कि इसको मैंने सुबह उठाऊँ देने के लिए, तो जितनी मैंने रात को फीड करवाई हुई थी एज़ इट इज़ उतनी ही फीड इसके गले में थी, और इसका गला बिल्कुल उसी तरह भरा हुआ था जिस तरह फीड करवाने के बाद भरा हुआ होता है। तो आप सोचें कि पूरी रात निकलने के बाद अगर किसी का गला इतना भरा हुआ है, सो ऑब्वियसली उसकी फीड जो है ना वो अटक गई है। अब ये क्यों अटकी है मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग समझते हैं ना कि हमसे जी बर्ड एक्सपायर हो जाता है या बच्चे पलते नहीं हैं, तो भाई हम जो पाल रहे हैं, मैं जो पाल रहा हूँ, मुझसे भी मर जाते हैं, मुझसे भी मर जाते हैं। तो मरने की वजह आपको बताता हूँ। पहली बात ये मसला टेम्परेचर का ही है। क्यों है, ठंड बहुत है, ठंड में फीड जमती है। मुझे चाहिए था मैं इनको ब्रूडर में रखता, बल्ब के पास रखता या ब्रूडर के अंदर रखता। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, गले में खुश्की हो जाती है, गले में खुश्की होती है, फीड स्टक हो जाती है। अच्छा, एक बात ये, फिर दूसरी बात, अहम बात, जब भी आप बच्चे हैंड फीड पर उठाएं तो दो दो बच्चों का सेट बनाएं। एक डब्बे में कभी भी 5-10 बच्चे ना डालें आप लोग, क्योंकि ये फिर एक दूसरे को ना ऐसे खींचते हैं, यानी कि मुँह से फीड करवाते हैं एक दूसरे के, और वो उगलने भी लग जाते हैं कभी कभार, मुँह से गिर भी जाती है। एक तो ये मसला आता है, फिर कुछ बच्चे छोटे होते हैं वो धक्कम पेल में ख़राब हो जाते हैं, तो छोटे बच्चों को तो रखना ही आपने अलग है। और एक जैसे साइज़ के हों तब भी आप दो दो एक बॉक्स में रखें, बेशक आपके पास बड़ा ब्रूडर हो, उसमें आप छोटे जूते के डब्बे ले लें और उसमें बेसिकली सेपरेटेड करके रखें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा इस केस में करना क्या है जी। ये देख लें, इसका जो स्टमक है ये देखें, मैंने इसको कल फीड करवाई थी, कल के बाद से अभी तक नहीं करवाई। ये देख लें, इसका स्टमक देख लें आप, कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, ये देख लें माशाल्लाह कितना भरा हुआ है। अब ये कल मैंने फीड करवाया और आज तक भी ये इसके भरा हुआ है। अब क्या होगा कि ये फीड जब तक नहीं जाएगी तो हम, अब ये क्या कर रहा है, इसको भूख लग रही है, क्यों लग रही है, फीड नीचे तक पहुंची ही नहीं। अब इस केस में आपने करना ही होगा, आप इसको पकड़ेंगे, ठीक है, इसका वेंट एरिया देखना होगा हमें। मैंने ग्लव्स पहने ही इसलिए थे क्योंकि इसकी गंदी जगह पर हाथ लगाना पड़ेगा, सो इसलिए। अब आपको दिखाता हूँ, पहले इसका वेंट एरिया चेक कर लें आप। अच्छा, जब भी कभी ऐसा मसला हो तो हो सकता है कि वेंट एरिया ब्लॉक हो, तो क्या होगा, जब हम यहाँ से दबाएंगे ना इसको, तो अंदर से पानी वानी निकलेगा, या वो निकलेगा जो ड्रॉपिंग्स ये करता है, वो ड्रॉपिंग्स यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी। अब देखें, यहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये है इस बेचारे का जो
जो अंदर इंटेस्टाइन है वो खाली है, यानी कि ड्रॉपिंग्स हैं ही नहीं इसके अंदर, बेचारे की फीड ही अटक गई है। जब ये निकलेगी, जाएगी, पास आउट होगी तो ही ड्रॉपिंग करेगा ना ये। एक तो केस ये होता है कि ड्रॉपिंग फंस जाती है, तो उसमें आप क्या करते हैं, दबाते हैं तो यहाँ से निकल आएगी। ऐसे जब आप दबाएंगे ना, जब आप ऐसे दबाएंगे तो इसकी ड्रॉपिंग्स निकलना शुरू हो जाएंगी, बट इसका केस थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले आपने ये चेक करना है दबा के कि ड्रॉपिंग्स तो नहीं निकल रही, निकल रही हो तो खारिज कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि निकाल दीजिएगा। अब मसला ये है, दो चीज़ें। अब भाई इसका स्टमक देखें कितना भरा हुआ है, कितना इसका जो क्रॉप है जो भरा हुआ है, इसमें हम फीड नहीं दे सकते इसको, ठीक है। हम फीड देंगे तो ये सांस भी नहीं ले पाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने इसको सिर्फ पानी देना है। उस पानी के अंदर आप कोई सिरप मिला के दे सकते हैं या मल्टीविटामिन मिला के दे सकते हैं, ताकि इसको एनर्जी मिलती रहे। और फिर आपने इसको रखना है गर्म जगह पर, और साथ साथ इसकी जो क्रॉप है उसकी मसाज करनी है। मसाज ऐसे करनी है कि शायद हो सकता है कि आपके सही इसे थोड़ा बहुत, हल्का बहुत, बिल्कुल मामूली सा, कि इसको तकलीफ़ ना हो बेचारे को, थोड़ा बहुत हिलाने पे ये जो है ना, इसका जो क्रॉप है वो शायद वर्किंग करना शुरू कर दे, ठीक है। बिल्कुल मामूली मामूली सा, हल्का हल्का सा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये कब होता है। हमेशा जब भी बच्चों को हैंड फीड पर उठाएं तो दो चार चीज़ों का ख्याल रखें। पहला, भाई उनको फुल फीड मत करवाएं, यहाँ तक नहीं भरें, ज़रूरी थोड़ी है। ये गला जो है ना, ये क्रॉप ब्लॉक ही तब होता है जब आप ओवर फीड करवाते हैं। आप इतना फीड करवाएं कि बच्चे का गला भर जाए और वो चल फिर सके, एक्टिविटी कर सके। क्योंकि जब हम भर देते हैं ना और ऑक्सीजन नहीं आ पाती, वो गठली उसी वक्त बनती है जब ऑक्सीजन नहीं आ पा रही हो। क्योंकि ऑक्सीजन में देखें, वाटर होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी O2, O2 होता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला, सॉरी ऑक्सीजन में वाटर भी होता है एक तरह से, अगर देखा जाए वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें नमी मौजूद होती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी वगैरह कहते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करती है कभी कभार बर्ड के लिए। ह्यूमिडिटी का एक लेवल होता है जो रिक्वायर्ड होता है। जब आप बर्ड के अंदर फीड भर देंगे बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद उसका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके गले में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो ह्यूमिडिटी लेवल भी उसका नीचे आ जाएगा या ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जो भी है, तो वो क्या होगा, उसके बाद उस बर्ड को तकलीफ़ होगी। तो हमेशा याद रखें, जब भी बर्ड को उठाएं तो भाई इतना ज़्यादा फुल मत करवाएं। ये बहुत ज़्यादा फीड मांगता था, तो मैं इसको थोड़ी सी ज़्यादा करवा रहा था, जो कि मुझसे गलती हो गई। और अब जो है ना, इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं इसके, लेकिन हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि देख लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी हमें कुछ हो पाता है, अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम इसको बचा सकें। अच्छा, इसमें ना दो चार चीज़ें और भी हो सकती हैं। आप सिरका भी थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा इंजेक्शन में लेके इसके क्रॉप में कोशिश कर सकते हैं डालने की। और कई लोग ऐसा करते हैं कि जी अंदर पाइप डाल के उसको सक करने की कोशिश करते हैं। मुझे उसका पता नहीं है कि वो सही है या नहीं है, बट मैंने एक आध बार ट्राई किया था तो इनको बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ तक के सक करने में इनकी आंतें भी उसमें चिपक जाती हैं जाके, मतलब इनकी स्किन चिपक रही होती है इंजेक्शन के अंदर। सो उसका भी ख्याल रखें थोड़ा सा देखभाल के, और उतना खिलाएं जितनी रिक्वायरमेंट है बर्ड की, जितना फिजिकल एक्टिविटी कर सके। अब दूसरे दोनों बच्चे ठीक हैं, बट इसको प्रॉब्लम है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हाईलाइट हो सके कि भाई चिक में क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोग कहते हैं जी जो हम नेस्टिंग मटेरियल डालते हैं वो भी कभी बार फंस जाता है। भाई ज़रूरी नहीं है ऐसा, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। नेस्टिंग मटेरियल चला भी जाए ना तो वेस्ट हो जाता है वो, मतलब इनके ड्रॉपिंग्स में निकल आता है। ये तब होता है, ये टेम्परेचर की वजह से होता है या ज़्यादा फीड करवाने की वजह से। ज़्यादा फीड ना करवाएं, टेम्परेचर का ख्याल रखें। कई लोग समझते हैं जी फीड की गलती है। भाई यार, अगर आप इसको मिसाल के तौर पे सबसे महंगी वाली फीड करवा रहे होंगे तो क्या तब ये केस नहीं हो सकता? एक सोचने वाली बात है भाई, तब भी हो सकता है यार, ये तो एक समझ लें नेचुरल प्रोसेस है। इवन कि तो माँ बाप जब पाल रहे हैं उनमें भी किसी में हो जाता है, ये मैंने खुद देखा है, तो उनमें भी हो जाता है। क्यों? टेम्परेचर की वजह से। नेस्ट गीला हो रहा है या बाहर ठंड बहुत है या अंदर गर्मी बहुत थी, उस वजह से जो है ना वो जैम हो गया इनका क्रॉप, या इनकी वेंट एरिया जो है वो फंस गया, वहाँ पे जो है ना ड्रॉपिंग्स फंस गई और गठली बन गई। वो ड्रॉपिंग्स समझ लें कि जो गठली बनती है वो खाली चेस्ट पर नहीं बनती, बल्कि वो वेंट एरिया पर भी बन जाती है, जहाँ पर इनका ड्रॉपिंग्स जो है वहाँ पर स्टोर होती हैं, वहाँ पर भी गठली बन जाती है कभी कभार। सो गाइज, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। किसी को भी अगर अच्छी हैंड फिट चाहिए तो ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकता है। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स भी मेरे पास हैं, और बच्चों को बचाने के लिए लाइट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी मेरे पास से मिल जाएंगी। फिशर, लव बर्ड, तमाम बर्ड्स में, फिंचेस से लेके ग्रे पैरेट, सब में इस्तेमाल होती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको मिल जाएगी। दाना भी मैं सप्लाई करता हूँ, फीडिंग इंजेक्शन, हैंड फीड करवाने वाले, बर्ड की हर चीज़ होती मौजूद होती है मेरे पास। जो भी चीज़ चाहिए वो लिख दें, क्या चीज़ चाहिए। अगर आपको ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें,
हैंड फीड चाहिए तो हैंड फीड लिखकर सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप पर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 03499220045। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।